नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। देश के 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, इनमें से 32 सीटों के नतीजे आज आ रहे हैं और बीजेपी के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो 11 सीटें पहले बीजेपी के पास थी उसमें से 8 समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई हैं। यानी तस्वीर यह है कि जहां बीजेपी की सरकार थी वहां भी बीजेपी को नुकसान और जहां सरकार नहीं थी वहां भी नुकसान हुआ है। सवाल यह है, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का राग जो बीजेपी ने छेड़ा, क्या वही पार्टी को महंगा पड़ गया? भैया जीत मुबारक हो, भैया जीत मुबारक हो। समाजवादी पार्टी के लिए वाकई ये मौका जश्न का है। 4 महीने पहले ही बीजेपी के हाथों लोकसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार मिली थी और अब पार्टी ने बीजेपी से विधानसभा की 8 सीटें छीनकर लोकसभा चुनाव का बदला ले लिया। ये परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से विकास और खुशहाली के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। 11 में से बीजेपी को सिर्फ नोएडा, सहारनपुर और लखनऊ पूर्व सीट पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिली हैं। चरखारी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार लड़ाई में भी नहीं रहा, यहां से उमा भारती विधायक थी। लोकसभा की मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा बरकरार रखा है। यहां से मुलायम के पोते तेज प्रताप 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। विधानसभा की सभी 11 सीटों पर पहले बीजेपी का कब्जा था। प्रचार में बड़े बड़े दावे करने वाले बीजेपी के नेता बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। नहीं, मैं 2017 का सेमीफाइनल इस उपचुनाव को नहीं मानता। उपचुनाव अधिकतर के परिणाम जो सामने होते हैं वो अब स्टेट गवर्नमेंट उस पर काफी हद तक हावी होती है। चुनाव में बीजेपी ने लव जिहाद और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया था। आदित्यनाथ और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नेता लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे। अब पार्टी कह रही है कि चुनावों में मोदी के चेहरे को आगे करके ही लड़ेंगे। बीजेपी का सौभाग्य है कि इतना बड़ा नेता, करिश्माई नेता हमारे पास है, तो हम उनके नाम पे नहीं चुनाव लड़ेंगे तो क्या राहुल गांधी के नाम पे लड़ेंगे? हार सिर्फ यूपी में ही नहीं हुई, बीजेपी राजस्थान और गुजरात में भी चारों खाने चित हो गई है। लोकसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों की तमाम सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन उपचुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राजस्थान की 4 में से 3 सीट सूरजगढ़, वैर और नसीराबाद कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली है। सिर्फ कोटा दक्षिण सीट बीजेपी को मिली है। प्रदेश सरकार ने 9 महीने में जो जो संभाग के दौरे किए, जो जो स्कीम्स की घोषणाएं करी, जो जो कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम किया, उसको पब्लिक ने नकार दिया है। पीएम के गृह राज्य गुजरात में पार्टी ने 9 सीटें खाली की थी, लेकिन जीत सिर्फ 6 पर मिली, 3 सीटें कांग्रेस ने छीन ली। वडोदरा की लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की वजह से यहां चुनाव हुआ था। बीजेपी के लिए एकमात्र अच्छी खबर जो आई वो पश्चिम बंगाल से आई। यहां विधानसभा में पार्टी ने अपना खाता खोला। बसीरहाट दक्षिण सीट बीजेपी को मिली। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा और समाजवादी पार्टी ने 8 सीटों पर, 11 में से 8 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया है। सवाल यह है कि लव जिहाद का प्रचार जो बीजेपी कर रही थी योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे नेताओं के माध्यम से, क्या वही प्रचार बीजेपी को महंगा पड़ गया और इस वजह से ये 11 सीटें जो बीजेपी के पास थी इनमें से 8 समाजवादी पार्टी के खाते में, क्या बीजेपी विकास का नारा आगे रखने में नाकाम रही? सवाल ये भी, जहां चुनाव हुए वहां 24 घंटे बिजली देने से क्या समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग किया समाजवादी पार्टी ने। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, अब ये मानने में कोई तकलीफ या गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये लव जिहाद का प्रचार था जो आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में ले डूबा? मैं हर डिबेट में, जितनी भी डिबेट में आपके साथ रहा नेहा जी, मैंने एक ही बात कहा है कि हमारा एक ही एजेंडा रहा है और वो डेवलपमेंट का एजेंडा रहा है। कल भी मैं आपके साथ डिबेट में था, कल भी मैंने यही विषय रहा है। और देखिए, जिस प्रकार से इस चुनाव के परिणाम आए हैं, हाँ चिंताजनक जरूर है और हमें चिंतन करना चाहिए, हम चिंतन करेंगे भी, मगर इस चुनाव को एक बाइपोल के रूप में ही एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से। मुझे लगता है हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद जो भी नतीजे आएंगे कि किन कारणों से ये हार हुई
हुई है, हम उसकी समीक्षा भी करेंगे और उस हिसाब से हम उसके स्टेप्स लेंगे। चलिए, आप लोग मान रहे हैं कि इसका इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन में एक बात साफ है कि लव जिहाद सबसे बड़ा मुद्दा था, तो जाहिर है अब आपके रेडार पर लव जिहाद का मुद्दा जरूर होगा, जिससे उसे आपके नेताओं ने जिस तरह से उठाया। हमारे साथ इस चर्चा में समाजवादी पार्टी से सीपी राय साहब भी मौजूद हैं। राय साहब, आपकी पार्टी के लिए ये बहुत ही जश्न का मौका है जाहिर तौर पर, ये जो जीत आप लोगों को मिली है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जो सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में है बीजेपी का, उनका आरोप सीधे सीधे कि आप लोगों ने स्टेट मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया और इसके चलते आपने 11 में से 8 सीटें झटकी हैं बीजेपी से। पहली बात तो मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, आपके चैनल पर भी शुरू हुआ है, हमने हार को भी विनम्रता से स्वीकार किया था, हम इस जीत को भी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। ये वो 12 सीटों पर चुनाव हुआ होना था जिसमें 11 पर हुआ, कि जब 2012 में हमारी लहर चल रही थी और हमने जिसको लहर कहा जाता है हम नहीं मानते, उसमें हमने 224 सीटें जीती थी, लेकिन तब भी हम ये 12 सीटें हार गए थे जिनमें 11 पर चुनाव हुआ है। हमारे उस मजबूत मुहिम के बाद भी ये सीटें बीजेपी जीती थी, इसलिए इन सीटों पर बीजेपी की हार निश्चित तौर पर एक बड़ा और कड़ा संदेश है और इस जीत के लिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव बधाई के पात्र हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। नंबर दो, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए और उसने भारतीय जनता पार्टी का मदद की, फिर भी चुनाव हारे, इसलिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है। नंबर तीन, पात्रा साहब ने एक बात कही कि ये लोकल चुनाव की तरह लिया जाए, तो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव होता है और पूरी जनता पार्टी उसको मोदी जी की लहर के कंटिन्यूएशन के रूप में प्रदर्शित करके उसके ऊपर गाना गाती है, तो फिर अचानक ये चुनाव लोकल चुनाव कैसे हो गया? ठीक है। नंबर चार, जिस सीट से उमा भारती खुद विधायिका थी उस पर इतनी भारी उनकी हार हो जाना और उसके बाद जहां से मोदी जी 5.5 लाख वोट से जीते थे जिस सीट से वो सांसद है उस सीट के अंतर एक विधानसभा सीट का हार जाना, ठीक है राय साहब, उन तमाम बातों पर बीजेपी कह रही है इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, लेकिन जो आप पर आरोप लग रहा है वो ये कि समाजवादी पार्टी ने स्टेट मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है, उस पर क्या जवाब है आपका? तो इन्होंने क्या गुजरात में इन्होंने गलत इस्तेमाल करके जीता है लगातार 15 साल से? क्या ये मध्य इसका इससे सिद्ध होता है कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां ये लगातार जीत रहे हैं उसमें गलत मशीनरी का इस्तेमाल करके जीतते रहे हैं, इसलिए इनको वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। आप इन आरोपों में दम नहीं मान रहे हैं गलत मशीनरी का, और आप कह रहे हैं कि ये जो जीत है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कैंपेन रहा उसका योगदान है। ठीक है, मेरे साथ शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन लव जिहाद का जो शगुफा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीता और वो राग पिट गया ये भी सब जानते हैं, उसका फायदा अब आपकी पार्टी को मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ी ये कहना ही तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मथुरा के अधिवेशन में भी लव जिहाद का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ जो आप लोगों ने प्रचारित किया। ये जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के जो समीकरण, और वैसे भी आपने देखा है बिहार में यदि नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव जीत गई तब तो लव जिहाद मुद्दा नहीं उठाया गया था, तब आपने क्यों जो है वो नीतीश कुमार प्रेम शुक्ला जी योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज बीजेपी के ही चेहरे हैं और योगी आदित्यनाथ इन उपचुनावों में चुनावी प्रचार की कमान संभाल रहे थे। आपको क्या लगता है कि वहां लव जिहाद कारण जीत गए? पश्चिम बंगाल बहुत लव जिहाद नहीं, एक एक मुद्दा वो भी रहा होगा। देखिए, ऐसा है किसी भी राज्य में जब हम चुनाव जीतते हैं तो विजय उत्सव होता है, जब परास्त होते हैं तो हमको आत्मावलोकन करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आत्मावलोकन कर रही है। हाँ। इस पर इतना चिंतित करना और ये कह देना कि नहीं लव जिहाद ही एक में मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के पास, ये मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से अतिरेक करेंगे। हालांकि बीजेपी ये नहीं कह रही है, बीजेपी कह रही है इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और लव जिहाद सबसे बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में, सब जानते हैं। हमारे साथ ठीक है ना पात्रा जी, मैंने ये कहा है। ठीक है, एक मिनट मैं आऊंगी आप लोगों के पास। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय निरुपम साहब मौजूद है, मैं उन्हें इस चर्चा में लेना चाहती हूँ। संजय निरुपम जी, समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है उत्तर प्रदेश में, 8 सीटें, बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दिया इन उपचुनावों में अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो उस पर आपका क्या कहना है और खासतौर पर ये जो लव जिहाद की हवा बनाई गई? देखिए,
नहीं नेहा जी, अगर पिछले तीन महीनों में जो तीन बार उपचुनाव हुए हैं, तीनों उपचुनावों के नतीजे को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की लगातार हार हो रही है। पहले उत्तराखंड में देखा गया, बाद में मध्य प्रदेश बिहार में देखा गया और अभी आज देखा जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने विकास का नारा दिया था, गुड गवर्नेंस का नारा दिया था, तब तो उन्होंने लव जिहाद का नारा नहीं दिया था, तब उनका चेहरा योगी आदित्यनाथ को नहीं हुआ करता, तब उनका चेहरा साक्षी महाराज नहीं हुआ करते थे। आज नरेंद्र मोदी एकदम उल्टा कर रहे हैं सत्ता में आने के बाद। एक उदाहरण देता हूं आपको कि जब लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि भाई जो एक समाज में हिंसा हो रही है ऐसे सभी हिंसा वाले लोग 10 सालों तक हिंसा करना बंद करिए, मोरेटोरियम डालिए। उसके अगले दिन योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जाए। मतलब आप जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में जो फर्क है उसका नतीजा निकल के आ रहा है। रह गई बात लव जिहाद का, एक विषय भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़े जोशो खरोश से उठाया, हो सकता है ऐसा कोई विषय होगा लेकिन ये एक सामाजिक प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण करता है तो ये कानूनन एक जुर्म है। ये ठीक है, और आप कह रहे हैं कि पूरे विषय को लेकर राजनीतिक उन्माद का वातावरण खड़ा करना और वोट लेने की कोशिश करना, क्या इस पर जनता ने इसके खिलाफ वोट किया और क्या विकास का मुद्दा पीछे छूट गया? एक सवाल ये कि क्या बीजेपी विकास का नारा आगे रखने में नाकाम रही? आम आदमी पार्टी से आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है ये क्या वजह रही? हालांकि आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुछ चुनाव तो नहीं लड़ा है, जो उपचुनाव हुए इसमें, लेकिन फिर भी विकास का नारा जिसके साथ लगातार बीजेपी अपने आप को खड़ा हुआ कहती है और जो विकास का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतना करीब है, वो यूपी आते आते लव जिहाद में कैसे बदल जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि तीन चीजें इसमें हुई हैं। पहली बात उग्रता, दूसरा अहंकार और तीसरा निराशा। इस चुनाव को मैं इन तीन चीजों से डिफाइन करूंगा, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। पहली बात, बीजेपी ने इतिहास से सबक नहीं सीखा। 1992 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद जब 4 राज्य बर्खास्त हुए, उसमें से 3 राज्य बीजेपी हारी थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उग्र हिंदुत्व के उस शिखर पर। आज फिर उसी को दोहराने की कोशिश की गई, यानी धर्म का आक्रामक स्वरूप, उग्र स्वरूप जो है वो हिंदू मानस को पसंद नहीं आता। दूसरी बात, अहंकार। जीत के बाद बीजेपी में जो अहंकार आया था, महंगाई के मसले में इनके नेता कहने लगे थे जो लाल गाल वाले होते हैं वो टमाटर नहीं खाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक मानस को लगता है कि यार अहंकार इस देश के अंदर, भारत की संस्कृति के अंदर राजा रावण का भी नहीं था। राम इसलिए मर्यादित थे क्योंकि जीत के बावजूद उन्होंने लक्ष्मण को बोला था तुम जाके रावण से कुछ सबक सीखो। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, निराशा। जब दरअसल नरेंद्र मोदी ने जीत के चुनाव के दौरान एक विकास का मॉडल दिया था, महंगाई, भ्रष्टाचार से निपटने की बात की थी, और आज की तारीख में इन तमाम चीजों पर ना तो चर्चा हो रही ना इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, और उसे पूरी तरह से घेर लिया, एक तरह से उस पर छा गया लव जिहाद का मुद्दा। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट किया है नतीजों के बाद और क्या कहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लालू यादव जिन्होंने चुनाव प्रचार के बाद, उन्होंने ये कहा है कि 16 मई को मैंने तमाम प्रगतिशील वर्गों और पक्षों के एक साथ आने की अपील की थी। उदाहरण दे रहे हैं बिहार का, वहां भी बीजेपी को खासा नुकसान हुआ। उपचुनावों के नतीजे बताते हैं कि आवाम ने दिल से मेरी गुजारिश को स्वीकारा। लालू यादव कह रहे हैं ना सिर्फ पार्टियां बल्कि लोग भी अब साथ आ गए हैं। लेकिन विजय, सवाल ये है कि जब आप आत्म अवलोकन करने की बात करते, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो बीजेपी भले कैमरे पर ना कहे लेकिन उत्तर प्रदेश में और क्या मुद्दा है लव जिहाद के सिवा जिस पर इस वक्त इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जब लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था तब किसी ने ना जात देखी थी, ना मजहब देखा था, ना कैंडिडेट देखा था। सबने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद अब चीजें बैक टू बेसिक वाली आती है कि वही जाति है, वही मजहब है, वही आंकड़ेबाजी है, वही गठबंधन महागठबंधन है। और इसके ऊपर जो नरेंद्र मोदी विकास का पर्याय माने जाते थे उसको या तो बीजेपी का संगठन नीचे तक पहुंचाने में कामयाब नहीं रहा, या फिर उसके साथ लव जिहाद और संघ का ये कहना कि हिंदुस्तान में जो भी रहेगा वो हिंदू होगा और इस तरह की जो बातें आई, मुझे लगता है कि उसका नुकसान बीजेपी को कम से कम यूपी में उठाना पड़ा। और संबित पात्रा जी, एक सवाल ये जरूर उठेगा यहाँ पर कि आप लोग कैसे नहीं पढ़ पाए उत्तर प्रदेश की इस हवा को, जहां पर नरेंद्र मोदी के विकास के नारे की तो आप बात करते रहे लेकिन आपने उसमें हावी होने दिया योगी आदित्यनाथ का डिवाइसिव पॉलिटिक्स का मॉडल, जिससे वो लव जिहाद कह के हर गली नुक्कड़ पर आगे बढ़ाते रहे।